उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन में जिले के तीनों विकास खंड के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग लिया। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट होकर जिले में आम आदमी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी को जिले के दोनों विधानसभाओं में प्रत्येक बूथों में मजबूती के साथ खड़ा होना है, ताकि दोनों विधानसभाओं में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में परचम लहराए। साथ ही उन्होंने दर्जनों नए लोगों को फूल मालाओं के साथ स्वागत कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने बताया, जल्द ही जिले बाकी अन्य तहसीलों में आम आदमी पार्टी के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं, जो मुख्य लोग थे उनकी ज्वाइनिंग मेरे द्वारा पिछले दिनों बागेश्वर जनपद से जो लोग थे मेरे द्वारा वहां पे हल्द्वानी में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सिसोदिया जी के माध्यम से कराई गई। जो कि उसके बावजूद यहां पर बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी की को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए ये जिले का कार्यक्रम है। आज बहुत सारे लोगों द्वारा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए ये इसकी ज्वाइनिंग की जा रही है। इसके बाद हमारा ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत ऊर्जा है और हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।